हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Realme C65 फ़ोन है, तो Realme C65 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में बैक बटन्स वगैरह को आप कैसे हाइड कर सकते हैं, और बैक बटन्स को आप कैसे अपने फ़ोन में छिपा सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि बैक बटन्स को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे छिपा सकते हैं रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन में बैक बटन्स को हाइड कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करते हुए आपके पास ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स पे जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन सेटिंग्स हैं आपको देखने को मिल जाती है, जिसका आप यूज़ करके बैक बटन्स को चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो जैसे हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं बटन्स है, तो हाइड करने के लिए बस आपको गेस्चर्स मोड पे क्लिक करना है, और गेस्चर मोड्स पे क्लिक करते ही बैक बटन्स यहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाइड हो चुके हैं और उस तरीके से शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बैक बटन्स को आप हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से बैक बटन्स को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में, और आप देख सकते हैं कि बटन्स को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से अपने फ़ोन में बटन्स को आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इस तरीके से आप बैक बटन्स को हाइड कर सकते हैं गेस्चर मोड्स के जरिए, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं और गेस्चर मोड को भी हाइड कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।